वेलकम डियर फ्रेंड्स, दिस इज ओम मैथ्स कॉर्नर। टुडे हेयर वी शैल डिस्कस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.5 में जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं जिनको हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.5 मैथमेटिक्स, जिसमें कुल हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.5 के। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस की प्रोडक्ट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, cos of x, cos of 2x, cos of 3x, ये तीन फंक्शंस एक साथ हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो अगर प्रोडक्ट दो से ज्यादा फंक्शंस का आपको दिखाई दे रहा हो, आपने डिफरेंशिएशन निकालनी हो, तो हम लॉग लेकर इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। या हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ नजर दौड़ाएं, x माइनस 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इस तरह का ये एक लंबा सा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को लॉग लेकर सॉल्व करते हैं तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो तब भी हम लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, आइए देखते हैं अगला स्टेप, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन शॉर्टकट मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर v, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, u और v दो फंक्शंस हैं, दोनों ही सपोज x की फॉर्म में है, तो हम इस तरह के फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो u रेज टू पावर v, मतलब कहने का जो फंक्शन है उसको सबसे पहले हम एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ऑफ जो भी दिया हुआ फंक्शन था उसके साथ हम लॉग लेकर चलाएंगे। तो ये शॉर्टकट है, ऐसा क्यों है इसके बारे में भी जानेंगे। अगला क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन तीन फंक्शंस या तीन से ज्यादा फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलते हैं, तो हम उसका डेरिवेटिव, इकट्ठा डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले सेम वही मेथड, पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, डी डी एक्स लगाएंगे और ये लॉग लगाएंगे, मतलब कहने का ये तीन बातें हम यहाँ देखते हैं कि कोई फंक्शन जैसे कि पार्ट वन में यू रेज टू पावर वी है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले ये यू रेज टू पावर वी, एक तो यहाँ पर यू रेज टू पावर वी, ये यहाँ पर, ये दोनों साथ में एज इट इज हमने अटैच करने हैं, और ये डी डी एक्स और लॉग, ये दो बातें हमने यहाँ पर अटैच की। अगर हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री फंक्शंस, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालना हो तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज पूरा का पूरा नोट करके यहाँ लिख लेना है, और वही यहाँ पर भी लिखना है जैसा कि ऊपर दर्शाया गया था। तो यहाँ पर भी हम ये डी डी एक्स और लॉग, ये एक्स्ट्रा हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। अगर हम बात करें अगले स्टेप की, कोशेंट फंक्शन की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, तो क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा फंक्शन सबसे पहले हमने ऐसे लिखा, तो यही हमने यहाँ पर भी लिखा, और साथ में क्या किया, ये डी डी एक्स लॉग, ये हमने अटैच किया। आइए कोशिश करते हैं ये जानने की कि हम ऐसा क्यों करते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मान लीजिए मैं फर्स्ट काइंड को डिस्कस करूंगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, तो जैसा कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, डेरिवेटिव टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जैसा कि y लेफ्ट हैंड साइड थी
तो हमने इस वाई के साथ ये लॉग जो है अटैच किया लेफ्ट हैंड साइड में, और यू एक्स रेज टू पावर वी एक्स यहाँ पर हमने दोनों साइड राइट हैंड साइड में भी लॉग ले लिया। तो लॉग लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, लॉग एम रेज टू पावर एन या फिर लॉग पी रेज टू पावर क्यू, क्या होता है क्यू लॉग, क्या होता है ये क्यू लॉग पी। तो इस तरह से हम अगर देखें तो क्यू लॉग पी में अकॉर्डिंगली वी रेज टू पावर एक्स हमने इसको बेस में लिखा वी एक्स इंटू लॉग ऑफ यू। तो आगे बढ़े तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, वन अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन चुके हैं, एक का नाम है वी ऑफ एक्स और दूसरे फंक्शन का नाम है लॉग ऑफ यू एक्स। इन दोनों को प्रोडक्ट बाई पार्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब v of x as it is, उसके बाद log of ux का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन यू एक्स इंटू यू डैश एक्स प्लस सेकेंड टाइम क्या करते हैं सेकेंड फंक्शन एज इट इज नो चेंज और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरह से करते हुए हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में y है हम इस y को अगले स्टेप में न्यूमिरेटर में ले जाएंगे। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई हमने यहाँ लिख दिया और वाई की ओरिजिनल फॉर्म जो थी यू रेज टू पावर वी है वो अगले स्टेप में लिखेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले हम डेरिवेटिव वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल को अगर हमने सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम सेम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं फिर लॉग इन टू डी डी एक्स लॉग इन टू सेम फंक्शन डी डी एक्स इन टू लॉग ऑफ सेम फंक्शन। तो इस तरह से y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर v, तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे u रेज टू पावर v फंक्शन एज इट इज यू रेज टू पावर v डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ यू रेज टू पावर v, दिस इज द शॉर्टकट। तो माई डियर फ्रेंड्स लाइकवाइज दीज सेकेंड एंड थर्ड केसेज आर देयर, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.55 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स ये तीन फंक्शन की प्रोडक्ट है। तो आइए सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, हम पूरे क्वेश्चन को हमने क्या किया लेट वाई अपनी तरफ से एक नाम दिया वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ थ्री एक्स, इसलिए वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ डी वाई डी एक्स। तो जैसा कि हमने बात की थी सबसे पहले हमने पूरा फंक्शन एज इट इज लिखना है और डी डी एक्स और लॉग ये एक नया यहाँ पर ऑपरेटर हम यहाँ यूज करेंगे और वही फंक्शन सेम दोबारा रिपीट करेंगे कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ टू एक्स इंटू कॉस ऑफ थ्री एक्स। तो इस तरह से फर्स्ट टाइम कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स नो चेंज डी डी एक्स ऑफ। अब हम बात करें यहाँ पर लॉग लॉग पी प्लस क्यू प्लस आर सॉरी लॉग पी क्यू आर, तो क्या होता है वो log p प्लस log q प्लस log r। तो हमने इसको प्लस log r की फॉर्म में हमने इसको लिखा। तो इस तरह से देखें अब डेरिवेटिव निकालना है log x का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन x, लेकिन यहाँ पर log cos x है तो log cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ वन अपॉन cos x इंटू cos x का द्वारा डेरिवेटिव जो कि क्या होता है माइनस साइन x। दूसरी स्टेप की बात करें log cos 2x, log cos 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ सबसे पहले तो वन अपॉन cos 2x उसके बाद ये cos 2x का द्वारा डेरिवेटिव। log cos 3x का डेरिवेटिव क्या हुआ वन अपॉन cos 3x इंटू कॉस थ्री एक्स का द्वारा डेरिवेटिव माइनस थ्री इंटू साइन ऑफ थ्री एक्स। तो प्यारे बच्चों देखेंगे कि ये क्वेश्चन अब अगर लॉग लेकर हम चलते हैं तो कितना इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। तो प्यारे बच्चों देखो, डी वाई डी एक्स जब हम इसका निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन हम पता बात कर चुके हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि गिवन फंक्शन का जो जो भी फंक्शन है उसको पहले यहाँ लिखना है और यहाँ पर लिखना है पूरा का पूरा ये, और बीच में डी डी एक्स लॉग हम लिखेंगे। तो इस तरह से अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ दिस पी रेज टू पावर क्यू। लॉग पी रेज टू पावर क्यू क्या होता है, लॉग हम बात करें यहाँ पर, सिर्फ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, लॉग पी रेज टू पावर क्यू क्या होता है ये हमारे पास, इज इक्वल टू क्यू इंटू लॉग पी, ये होता है हमारे पास। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये वन बाई टू बेस में लिख लिया, डी डी एक्स से पहले ही लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में एक और हमारे पास आ रहा है, लॉग एम इंटू एन। हम बात करें लॉग एम इंटू एन क्या होता है, या फिर लॉग पी इंटू क्यू क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि लॉग पी इंटू क्यू का मतलब है इज इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग क्यू। तो हमने यहां पर P क्या था, x माइनस वन, क्यू क्या है, x माइनस टू। तो हमने log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू, और डिवाइडेड बाई जो है वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो माइनस log p माइनस log q माइनस log r। तो ये हम पूरा लिख रहे हैं इसको। तो इसके बाद अगर हम देखें तो डेरिवेटिव अब निकालना बड़ा आसान हो चुका है। किस तरह से, लॉग एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स माइनस वन। अगर हम बात करें लॉग ऑफ एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव क्या हुआ, वो हुआ वन अपॉन एक्स माइनस टू। कितना सिंपल, हम यहाँ पर एक्स माइनस टू, वन अपॉन एक्स माइनस टू, माइनस का साइन आ चुका है। लॉग एक्स माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या हुआ, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, माइनस का साइन फिर से। लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स माइनस फोर, लॉग ऑफ एक्स माइनस फाइव का डेरिवेटिव लॉग ऑफ सॉरी वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। तो सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू, वाई इज इक्वल टू दिस इज द फंक्शन। तो हमने ये काम किया इसको और डिफ्रेंशिएट करके हमें बड़े आराम से ये आंसर मिल चुका है। अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट था। अगर हम लॉग लेकर इसको सॉल्व करते हैं और ये शॉर्ट ट्रिक इसको फॉलो करते हैं तो कोई भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने हर एक स्टेप को अच्छी तरह से लिखा है और इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर कॉस ऑफ एक्स। यहाँ पर फिर से बात करें यू रेज टू पावर वी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यू रेज टू पावर वी यहाँ पर भी लिख लिया और यू रेज टू पावर वी यहाँ पर भी हमने लिख लिया। और अगला स्टेप क्या कहता है हमारा, अगला स्टेप कहता है लॉग यू रेज टू पावर वी का मतलब क्या होता है। तो ये हम वी को पहले लिखेंगे, हमारा क्या रूल है, वी को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो इस तरह से वी इंटू लॉग ऑफ यू, सॉरी यू, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज यू और नीचे वी लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हुआ। अब लॉग हम बात करें, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन यू एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन वी। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस वी, सेकेंड फंक्शन नो चेंज, यू डैश फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब है यू हमारे पास कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स का एज इट इज वी डैश मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का दोबारा डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स। उसके बाद हमारे पास जो है कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस का साइन एक्स।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन बड़े आराम से हम सॉल्व कर चुके हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर कॉस एक्स, कितना सिंपली हम शॉर्ट ट्रिक फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये दो फंक्शंस बीच में माइनस का साइन, एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस टू रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स। अच्छा, जहां तक हम बात करें टू रेज टू पावर साइन एक्स, तो ये इसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स वो क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसको तो हमने बड़े आराम से जो हमारे पास रूल है उसको फॉलो करते हुए ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ टू। अब कॉस एक्स कहाँ से लिखा गया, क्योंकि एक्स नहीं था हमारे पास, ये एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स था, इसलिए साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स हमने यहाँ पर साथ में अटैच किया है। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स की बात करें, तो ये वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल वही सेम क्वेश्चन, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम यू रेज टू पावर एक्स एज इट इज लिख दिया, फिर यहाँ पर भी यू रेज टू पावर एक्स एज इट इज लिखा, साथ में लगाया क्या नई बात क्या है, वो है डी डी एक्स और लॉग हमने यहाँ पर अटैच किया। तो अगला स्टेप हमारा क्या कहता है, अगला स्टेप हमारा ये कहता है लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स क्या होता है, इसका मतलब हुआ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब क्या हुआ, अगले स्टेप में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसकी, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स में, उसमें भी एक ही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रूल फॉलो करते हुए, एक्स फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि क्वेश्चन, प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि बड़े आराम से y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस टू रेज टू पावर साइन ऑफ एक्स, इसका फर्स्ट पार्ट हमने इस तरह से सॉल्व किया और सेकंड पार्ट हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था। इस तरह से पूरा का पूरा ये क्वेश्चन नंबर 4 इजीली हम सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल रेज टू पावर टू प्लस इंटू एक्स प्लस फोर होल रेज टू पावर थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव होल रेज टू पावर फोर। तो वही एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स, तीन फंक्शंस जो है यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हम लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का रूल फॉलो करेंगे। मतलब सबसे पहले गिवन फंक्शन यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा, ये हम लिख चुके हैं। तो इसके बाद हमने एक नई चीज क्या यहाँ पर अटैच की है, डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर सीधे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने अगले स्टेप में जो फंक्शन एज इट इज था हमारे पास लिखा डी डी एक्स ऑफ, अब हम बात करें यहाँ पर लॉग पी क्यू आर, वो क्या होता है लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, टू लॉग एक्स प्लस थ्री भी लिख सकते थे, मेरे ध्यान में वो नहीं रहा तो इसको मैंने दूसरी तरह से किया है, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री होल रेज टू पावर टू इंटू एक्स प्लस थ्री पावर हमने फिर से माइनस कर दी, उसका डिफरेंशिएशन निकाला। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अदरवाइज भी हम इसको किस तरह से कर सकते थे, इक्वल टू हम इसको लिख सकते थे टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो अगला हम स्टेप देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या हुआ, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, अगले का होना था थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर, लास्ट का क्या होना था एक्स प्लस फाइव। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पूरे क्वेश्चन पर अगर हम नजर दौड़ाएं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल रेज टू पावर टू एक्स प्लस फोर होल रेज टू पावर थ्री एक्स प्लस फाइव होल रेज टू पावर फोर। तो देखने में क्वेश्चन ये लेंथी लग रहा है, लेकिन ये लॉग की जो कंसेप्ट हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की है उसके कारण ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और बड़े आराम से हम सिर्फ तीन लाइंस में ही इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। मतलब कहने का, यहाँ दो फंक्शंस हैं तो दोनों ही यू रेज टू पावर एक्स, सॉरी यू रेज टू पावर वी, यू रेज टू पावर वी दो है। तो इन दोनों को ही हम डायरेक्ट मेथड जो है, फर्स्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर इसको अटैच किया और यहाँ पर अटैच किया, साथ में हमने डी डी एक्स लॉग लिखा। तो यहाँ की बात करें तो हम यहाँ पर भी इसको सेकंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यहाँ लिख दिया और ये लिखा हमने, और साथ में डी डी एक्स लॉग हम अप्लाई कर चुके हैं। मतलब शॉर्ट ट्रिक देखिए कितना हमें फायदा दे रहा है कि हम क्वेश्चन को बिना किसी झमेले के, बिना ज्यादा झंझट के बड़े आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो अगले स्टेप में हम लॉग ऑफ पी रेज टू पावर क्यू, वो क्या होता है, क्यू लॉग पी। तो हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अगर हम यहाँ बात करें अगले स्टेप की, यहाँ पर भी सेम सेकंड स्टेप भी हम फॉलो कर रहे हैं। पावर को हमने एक्सपोनेंट को पहले लिखा, तो लॉग ऑफ एक्स हमारे पास बच चुका है। हम साथ साथ में दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स हमारा बाहर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, लॉग पी अपॉन क्यू क्या होता है, लॉग पी माइनस लॉग क्यू। और यहाँ पर बात करें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। मतलब किस तरह से, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है हमारा सेकेंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फर्स्ट, है ना, सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं फर्स्ट फंक्शन, ये जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारे पास ये है रिजल्ट, और सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह से है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप साथ साथ में नोटबुक अपने पास रखिए अगर आप अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं। पॉइंट्स को नोट करते रहें, बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स। वही दोनों केस है, यू रेज टू पावर बी की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, यू रेज टू पावर बी, और वही यू रेज टू पावर बी लिखना था। मैंने यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट किया है, जो एक्स इंटू लॉग जो लगाना था वो साथ में मैंने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पर भी सेकंड पार्ट की भी बात करें तो एक्स लॉग एक्स रेज टू पावर लॉग ऑफ एक्स नो चेंज। और हमने यहाँ पर फिर से वो स्टेप एक यहाँ पर कम किया है। तो हम देखते हैं कि डेरिवेटिव निकालेंगे हम डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बाई पार्ट रूल हम फॉलो करते हुए एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन मीन टू से लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन। तो इस तरह से बाहर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर एक्स। सेकंड पार्ट की बात करें तो एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, और यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन एक्स होल रेज टू पावर एक्स इन प्लस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वाला ही क्वेश्चन है। तो शॉर्ट ट्रिक हमारा जो कहता है, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हमने अब क्वेश्चन नंबर 7 से एक नया शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर फॉलो करना शुरू किया है। हम जो लिखते थे लॉग ऑफ यू रेज टू पावर वी, तो हम वी लॉग यू लिखना शुरू हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, सेकंड क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर साथ साथ में डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फंक्शन लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स
प्लस सेकंड फंक्शन मतलब लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इनटू एक्स का डेरिवेटिव है 1। तो ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर में सिर्फ एक्स बच गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स x cos x upon sin x हो चुका है cotangent x plus log of sin of x, साथ में हमने क्या किया इस square root of x को इसी के साथ attach कर दिया, बन गया ये x minus x square। दोनों क्योंकि square root में थे तो हम square root की product इस तरह से हम apply कर दिया। प्यारे बच्चों अगला question हमारा question number 9, बहुत easy वे में आप अभी तक अगर पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देख रहे हैं समझ चुके होंगे कि क्वेश्चंस बहुत इजी है और ट्रिक बड़ा मस्त है। देखते हैं, y is equal to x raised to power sin x plus sin x raised to power cos of x। तो पहला हमारा काम जो था फंक्शन यहाँ पर और यहाँ पर हमने लगाया लिखा फंक्शन यहाँ और यहाँ दोनों साइड में लिख चुके हैं, और ये ddx log लिखा हमने, ddx log लिखा। अगला स्टेप हमने sin of x को बेस में लेकर आ गए, sin x log x, अगर यहाँ पर cos of x को बेस में लेकर आए तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन sin of x into log of x का डेरिवेटिव क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड मतलब sin x into log x का डेरिवेटिव 1/x plus सेकंड फंक्शन मतलब log of x as it is और sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ cos of x। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की जहां तक बात है तो cos x as it is और log sin x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/ sin x into sin x का डेरिवेटिव cos x plus सेकंड फंक्शन मतलब log of sin x into cos x का डेरिवेटिव minus sin x। तो देखा आपने कि कितना आसान है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। x सबसे पहली बात है x रेज टू पावर x हमने एज इट इज लिखा, और आप जान रहे हैं कि ddx और log लगाने के बाद सेम फंक्शन हमने एज इट इज लिख लिया। अगले स्टेप में इस log x into cos x को हम बेस में लिखेंगे, x into cos x into ये log of जो log of x हम ये हमने साथ में बाद में लिखा। अब हमारे पास तीन फंक्शंस की प्रोडक्ट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम यहाँ पर इनको तीन फंक्शन ना मानते हुए इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मानेंगे यहाँ पर सेकंड फंक्शन। तो वही बाई पार्ट रूल जो कहता है फर्स्ट फंक्शन मतलब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव क्या हुआ हमारे पास, log x का डेरिवेटिव है 1/x प्लस क्या कहते हैं log of x सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर हम दोबारा रूल फॉलो करेंगे कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और cos x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हमने वही रूल फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट का ये जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर चुके हैं। अगर हम बात करें सेकंड फंक्शन की डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, वो रूल क्या होता है v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश, ठीक है ना, अपॉन v स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हमने फॉलो करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 हम दोबारा अगर इसको रिकैप्चुलेट करें, x raised to power x into cos of x plus x square plus 1/x² - 1। देखने में क्वेश्चन लेंथी लग रहा है लेकिन सॉल्व करने का हमने जो मेथड डिस्कस किया उससे ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक बार मैथ्स को देखकर पढ़ने में दिक्कत जरूर आती है, तो मेरी यही हिदायत है आपको कि नोटबुक साथ में जरूर रखें, वीडियो में पॉज बटन बीच बीच में दबाना जरूरी है ताकि कोई कोई स्टेप आपको खुद से भी सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट y इज इक्वल टू x इनटू cos of x होल रेज टू पावर x प्लस x इनटू sin of x होल रेज टू पावर 1/x। तो यहाँ पर भी हम वही रूल फॉलो करते हुए देख रहे हैं कि पहले फंक्शन को हमने एज इट इज ddx ऑफ
एक्स पावर थी तो एक्सपोनेंट को हम पहले लिख लिया लॉग ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स। सेकंड फंक्शन की भी बात करें सेम वही प्रोसेस हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एक्स इनटू लॉग ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी है, लॉग ऑफ एक्स इनटू कॉस ऑफ एक्स दो फंक्शंस की प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है dy dx पता करना है। x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1। अब यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में हमें प्रॉब्लम दी हुई है, मतलब हम वी हैव x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल raised to power वेरिएबल है, तो इस तरह से तो माई डियर फ्रेंड्स जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में है, x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या करना है, वही फॉलो करते हैं कि u raised to power v और u raised to power v हमने लिखा, साथ में हमने ये जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है डी डी एक्स लॉग हमने अप्लाई किया। सेकंड पार्ट की बात करें y raised to power x के केस में भी हम सेम बात कर रहे हैं, y u raised to power v, u raised to power v, और ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक का एक ट्रिक जो आपको इस मेथड इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बताया है। राइट हैंड साइड में क्योंकि हमारे पास 1 था जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इसकी बात करें अगर हम तो फर्स्ट पार्ट में लॉग पी रेज टू पावर क्यू लॉग एम रेज टू पावर एन वो क्या होता है एन इंटू लॉग एम, और यहाँ पर इसको हमने सॉल्व किया इस स्टेप को। साथ साथ में अगर हम यहाँ पर दौड़ाएं नजर लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन यहाँ पर है लॉग वाई रेज टू पावर एक्स, तो हम उसको लिखेंगे एक्स लॉग वाई। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन है ना u into v का जो रूल है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। यहाँ पर दूसरे पार्ट की बात करें u into v का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर एक नजर दौड़ाई जाए x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1। मैं एक और बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से और इत्मीनान से देखेंगे समझेंगे और अपनी नोटबुक में सॉल्व भी करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपने वीडियो देखा, मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र साथियों को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस करें, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं और नए वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन।